हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिज़ाइन के बेबी बूट इसे बनाने के लिए मैंने दो कलर की बूट ली है टेन नंबर सलाई ली है और इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है इसको बिगनर्स भी बना सकते हैं और ये देखिए यहाँ से आपको इस तरह से नाप लेना है तो आप अपने हिसाब से फंदे लेके इसको बना सकते हैं यहाँ पे हमने चालीस फंदे से इसको स्टार्ट किया है और ये जीरो से लेके करीब दो साल के बच्चे के ईजिली आ जाएंगे क्योंकि ये देखिए इस तरह से ये बड़े और छोटे अपने आप ऐसे हो जाते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम पिंक कलर से फंदे लेंगे इस तरह से आपको फंदे डाल के कंप्लीट करने हैं फंदे बिल्कुल सिंपल ले रही हूं मैं जो बिगनर्स भी इजीली डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से भी फंदे ले सकते हैं तो देखिए इस तरह से हम फंदे ले लेते हैं ये देखिए यहाँ पे चालीस फंदे मैंने ले लिए हैं और आपको बेबी के पैर की लंबाई जो होगी उसको आधा लेना है उतने फंदे आपको लेने हैं जितना बेबी का पैर एड़ी से लेके पंजे से इतना ऐसे आधे फंदे आपको लेने हैं वो आप नाप लीजिए जितने बड़े बेबी का बनाना है आपको तो यहां पे हमने चालीस फंदे लिए हैं अब फर्स्ट रो हम इसकी उल्टा बुनेंगे दोनों तरफ से हम इसे उल्टा उल्टा बनाते हुए जाएंगे ऐसे देखिए तो यहां से ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं ये देखिए लास्ट तक हमने इसको बना लिया फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई इधर से हमने ये फंदा बुना इस साइड से हम उतार लेंगे बुल को ऐसे घुमाएंगे और यहाँ से भी हम इसे उल्टा ही बुनेंगे ऐसे देखिए दोनों तरफ से इसको हमें ऐसे ही बनाना है और देखिए एक साइड ये पांच रो आ जाएंगे सीधे साइड जब मैं आपको दिखाऊंगी दोनों तरफ की करीब नौ रो बना के हम कंप्लीट करते हैं फिर आपको आगे का दिखाते ये देखिए यहाँ पे पांच रो आने तक हमने इसको बुना है एक दो तीन चार और पांच और इस साइड में देखिए एक दो तीन चार तो टोटल हमने नौ रो बना ली है अब दसवीं रो पे हैं हम उल्टे तरफ जहां से हम इसमें कलर को चेंज कर देंगे ये देखिए यहाँ से पूरा हम इसको उल्टा ही बुनेंगे लास्ट तक इस वाली बुल को हम दबाते हुए ले जाएंगे आप चाहे तो नोट भी लगा सकते हैं तो हम ये रो कंप्लीट करते हैं ये देखिए लास्ट तक हमने ये रो कंप्लीट कर ली इधर से हमने इसको बना लिया अब हम इधर से इसको उतार लेंगे अब देखिए बुल हम अपने तरफ करेंगे और यहाँ पे हम डिजाइन डालेंगे तो देखिए हमने एक फंदा उल्टा बुना एक को बिना बुने उतार लिया अगला हम उल्टा बुनेंगे एक बिना बुने उतारेंगे इस तरह से फिर से हमने एक उतारा एक बुना पूरी रो में हमें ऐसे ही बुनते जाना है एक उतारते जाएंगे एक बुनते जाएंगे ऐसे एक उतार लिया एक बुन लिया ये देखिए लास्ट तक हम ऐसे ही बना लेंगे ये देखिए लास्ट तक हमने ये बुन लिया अब हम यहां से सारे फंदे बुनते हुए जाएंगे इसको हमने उतार लिया और बूल को अपने तरफ किया ऐसे ये देखिए इस तरह से पूरी रो उल्टा बनाते हुए जाएंगे लास्ट तक उल्टी रो हमने कंप्लीट कर ली अब देखिए इस रो में हम इस फंदे को उतारेंगे पहले और बुन को अपने तरफ करेंगे देखिए पहले हमने इस फंदे को बुना था अब हम इसको उतार रहे हैं उतरा हुआ फंदा बुन रहे हैं ऐसे बस इतना ही चेंज करना है ये देखिए बुना वाला उतारा उतरा वाला जो है उसको हमने बुन लिया एक बुना एक उतारा सिर्फ हमें स्टार्टिंग में ही ये चीज देखनी है उसके बाद पूरी रो सेम तरीके से बनानी है ऐसे एक उतारते जाएंगे एक बुनते जाएंगे लास्ट तक हम ऐसे ही इसे बुन लें। ये देखिए लास्ट तक हमने ये रो भी बना ली तो यहाँ पे ये दो डिजाइन डल के कंप्लीट हो गई करेंगे पिंक कलर से पूरी रो बनाएंगे इस तरह से देखिए तो हम यहाँ पे ये रो कंप्लीट करते हैं ये देखिए इधर से ये रो कंप्लीट हो गई अब देखिए हम सेम तरीके से ये वाली डिजाइन वापस डालेंगे तो इस फंदे को उतारेंगे देखिए पहले हमने इसको उतारा था अब हम इसको बुनेंगे ये देखिए अब हम बुने वाले को उतारेंगे बस इतना चेंज करते जाइए आपकी ये डिजाइन डलती जाएगी बिल्कुल इजी डिजाइन है इसमें बिगनर्स भी आप बना सकते हैं इसको ऐसे पूरी रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे और देखिए हम यहाँ पे दो इस तरह की डिजाइन ये वाली दो पट्टिया और दो पिंक कलर की डाल के फिर हम आपको आगे का दिखाएंगे सेम तरीके से डालना है जैसे हमने एक डाली है इसके बाद हम इस पे एक डिजाइन अभी और, और डालेंगे एक और दो ऐसे ये दो दो डिजाइन की चार पट्टी बनाने के बाद हम आपको दिखाते यहाँ पे देखिए हमने ये चार डिजाइन ली है दो हमने ग्रे की डाली और दो पिंक की डाली एक रो यहां से लेके उल्टी तरफ से हमने यहां तक उल्टा बनाते हुए कंप्लीट की अब देखिए हमारे पास टोटल यहाँ पे चालीस फंदे हैं जिसमें से हम तीन जगह डिवाइड करेंगे तो देखिए चौदह फंदे हम इधर रखेंगे चौदह फंदे इधर रखेंगे और बीच में हम जो बचेंगे फंदे वो रखेंगे तो देखिए यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात सात दूनी चौदह तो यहाँ पे एक हम मार्कर लगा दे रहे हैं आपको दिखाने के लिए अब इधर से एक दो तीन चार पांच छ सात इधर भी देखिए ऐसे ये मैंने लगा दिया अब यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पांच और छह छह दूनी बारह बारह फंदे बीच में हैं जो हम दो का एक करेंगे पहले हम चौदह फंदे बुनते हैं ये देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह बनाने के बाद देखिए अब हम यहाँ पे छः टाइम दो का एक करेंगे एक दो तीन चार और देखिए ये छह फंदे हमने दो का एक कर दिया यहां से ये सूज का सेप आ जाएगा यहां से देखिए अब चौदह फंदे हम उल्टे बना लेंगे लास्ट तक ऐसे देखिए लास्ट तक हमने ये बना लिया अब इधर की रो हम पूरा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे लास्ट तक लास्ट तक हमने ये रो कंप्लीट कर ली अब देखिए पहले हम चौदह फंदे उल्टे बना लेंगे एक उतार लिया दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और चौदह अब हम इसको निकाल देंगे यहाँ से तो देखिए अब हम तीन टाइम दो का एक करेंगे एक दो और तीन इस तरह से देखिए ये रो कंप्लीट हो गई यहाँ से ये फंदे यहाँ पे हमने घटा दिए उसके बाद हम चौदह फंदे ऐसे ही बना लेंगे इस तरह से इस तरह से अब देखिए यहाँ से हम उल्टे तरफ से ये ग्रे कलर ऐड कर लेंगे यहाँ से हम बॉर्डर बनाएंगे तो यहाँ से हम पूरी रो लास्ट तक इसी से बुनेंगे ऐसे तो हम बना लेते हैं ये देखिए उल्टी रो हमने कंप्लीट कर ली अब देखिए हम यहाँ पे बॉर्डर बुनेंगे तो एक फंदा हमने ये उतार लिया और देखिए दो उल्टे बुने बुल को पीछे किया दो सीधे इस तरह से दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे पूरी रो हम ऐसे ही बुनेंगे और उल्टे तरफ से जो उल्टा होगा उसको हम उल्टा बुनेंगे सीधा होगा उसको हम सीधा बुनेंगे तो ऐसे ही हम यहाँ पे बॉर्डर बना लेते हैं फिर दिखाते हैं आप बॉर्डर अपनी मर्जी से बना सकते हैं कम ज़्यादा छोटा बड़ा जैसा आपको चाहिए वो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं तो हम यहाँ पे बना के फिर दिखाते हैं ये देखिए यहाँ पे हमने 18 रो का बॉर्डर बनाया है और एक हमने रो इधर से लगाते हुए बुनी थी अब एक इधर से बुनेंगे तो टोटल यहाँ पे 20 रो हो जाएंगे आप अपने हिसाब से इस बॉर्डर को अगर ऐसे फोल्ड करके बेबी को पहनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से बना लीजिए सिंगल बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा कम बनाइए और यहां से अब देखिए हम सभी फंदे ऐसे क्लोज करेंगे लास्ट तक इसको हम ऐसे ही बंद करते हुए जाएंगे और देखिए इन फंदों को हम सीधे तरफ से बंद कर रहे हैं क्योंकि हम फोल्ड करके पहनाएंगे तो ऐसे ये आना चाहिए अगर आपने कम बॉर्डर बनाया है तो आप इस तरफ से उल्टे तरफ से बंद करेंगे फंदे इस चीज का आपको ध्यान रखना है ये हम दो का एक करते हुए चले जाएंगे पूरा तो हम कर लेते हैं ये देखिए यहाँ से सभी फंदे हमने बंद कर दिए अब देखिए हम इसको यहां से हम इसकी सिलाई करेंगे तो हम ग्रे कलर जो है उसको ग्रे से सिलेंगे और आगे हम पिंक कलर की बूल लेंगे तब सिलाई करेंगे ये देखिए यहाँ पे हम पक्का कर देंगे ऐसे इस बुल को हम कट कर देंगे उसके बाद हम पिंक कलर की बुल लेंगे अब देखिए हमने यहाँ से ये पिंक कलर की बुल ले ली अब हम पिंक कलर से सिलेंगे और मिलाते हुए सिलेंगे इसको आपको ध्यान रखना है जो रो जैसी है उसको आपको वैसे ही सिलते जाना है लास्ट तक ये देखिए पहले हम इसको ऐसे एडी तक ही सिलेंगे ये देखिए ये हमने यहां तक सिल दिया अब देखिए हम ये पंजे को भी ऐसे ही सिल देंगे ये देखिए यहाँ पे हम पक्का कर देंगे और इस बूल को यहाँ से कट कर देंगे